तो दोस्तों फाइनली एपिसोड आ गया है और इस एपिसोड में एक ज़रा सा ट्विस्ट भी है। मैंने फाइनली एक ट्राइडेंट कमा लिया। आई नो बहुत कम ड्यूरेबिलिटी है इस ट्राइडेंट की, बट आप लोग चिंता मत करो, हम इसे जल्दी से ठीक करेंगे और ख़त्म। एक चमट मारेगा ना तेरे को, ख़त्म क्या बोलते रे इतना जल्दी है कमीने, इतना जल्दी ख़त्म कुछ नहीं होगा। यहाँ से फेंका था ना मैंने ऊपर से ट्राइडेंट, तो सामने यहाँ पे गिरेगा। देखो ऑल कैलकुलेशन सर हमें परफेक्ट, ट्राइडेंट सामने पड़े, तो चलो इसे उठाते और पहले इसकी हालत ठीक कर देते, नहीं तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला गया है ना खत्म, कि ख़त्म सचमुच में ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, इस बिचारी को कोई तो नाम दे दो। बिचारी कभी भी मैं यहाँ पे आता हूँ ना, मेरे सिर्फ एक ही चीज़ मांगती है, मच्छी भी नहीं मांगती, तुम सोचो इतनी भोली है, बोलती है साहेब एक नाम दे दो। सोचो कितनी कितनी छोटी सी इच्छा इस बिल्ली की, और तुम इतने कमीने लोग उतनी सी इच्छा भी उसकी पूरी नहीं कर सकते। या सब्सक्राइब तो तुमसे होता नहीं, लाइक तो कोई और दूर की बातें हो गई है ऐसा मुझे लगता है अभी। यार एटलीस्ट नाम तो दे दो कमेंट सेक्शन में इस बेचारी बिल्ली को, यार इतना तो अहम कर दो इस रॉय में पे, अच्छा होगा। चलो तो मैंने ट्राइडेंट अभी मेंट कर दी दिए। अभी तुम लोग सोच रहे हो भाई तू सिर्फ ट्राइडेंट मेंट करके आगे उसका कुछ यूज़ नहीं है, वो वैसे भी ख़त्म के जैसे ही हम लोग कंसिडर करेंगे उसे, क्योंकि उसका हेल्थ ही नहीं है। तो चिंता मत करो, मेरे पास उसका भी इंतज़ाम है। अभी आप सबको क्वेश्चन पड़ा रहेगा कि मैंने लास्ट वीडियो में ये दो घरों के सामने एंड किया था, तो मैंने इसलिए एंड किया था क्योंकि इसके नीचे मुझे, मतलब इसके नीचे नहीं, इसके यहाँ पे मुझे एक स्पॉनर मिला था जब मैं केविंग कर रहा था। तो ये जो छोटा सा हट दिख रहा है ये अपना AFK स्पॉट है, यहाँ पे हम लोग AFK करते हैं और यहाँ पे मैं सोता हूँ, अगर इनकेस अगर मुझे रात को भी AFK करना हो तो। अभी मैं रात को नहीं खेलता बट माइनक्राफ्ट की रात, तुम समझो, तुम बहुत छात्र बच्चे लोगो, तुम्हें सब समझता है मुझे पता है, अच्छा तुम उसके बारे में टेंशन मत लो। ओके तो इसी के साथ हम लोग अपने स्पॉनर के सामने आ चुके हैं और तुम लोग सोच रहे होगे भाई तूने स्पॉनर ऐसा खुलने में क्यों रखा, मतलब शीशा क्यों लगा है, इससे स्पॉन रेट पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होगा, स्पॉन रेट पे इतना सा भी असर नहीं पड़ेगा। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाप, गजब बेइज्जती है भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं होगी। अरे ओ भैया तुम कौन होते हो बोलने वाले, हाँ ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, साला गजब बेइज्जती होगी यार मेरे सब्सक्राइबर से, ऐसा मत बोलो यार सब्सक्राइबर, सुपर ही नहीं रहते मेरे मुंह में, वो ना जरा बोलने टाइम जरा मुँह है ना जरा गड़बड़ा जाता है, क्या बोलूँ मैं अभी। छोड़ो हम लोग अपने यहाँ पे ट्राइडेंट मेंट करने हैं, हम उस मेंटिंग पे ध्यान देते हैं, और सब्सक्राइबर सचमुच में बोल रहा हूँ सुपर ही नहीं रहते मुँह में, मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ, आपके लगता रहेगा मेरे आवाज़ से कि मैं बहुत बड़ा बच्चा हूँ बट मैं नहीं, मैं एक्चुअली बहुत छोटा बच्चा हूँ। और यार छोटे बच्चे की इच्छा अगर तुम लोग पूरे नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यार सब्सक्राइब तो नहीं करते यार, एटलीस्ट उस बिल्ली को नाम दे दो, मुझे उस बिल्ली के लिए बहुत बुरा लगता है यार, प्लीज़ डू दैट थिंग फॉर मी इफ़ यू आर अ रियल मैन और ए रियल वुमेन और अ रियल पर्सन, जो भी तुम्हें समझना है वो तुम समझ जाओ। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह। बड़ा हरामी हो बेटा। अरे चाचा काई का हरामी यार, अभी चलो तुम लोग ने अभी पकड़ लिया तो मैं ठीक से बोल ही देता हूँ। हाँ तो मैं तुम्हें सब्सक्राइब करने के लिए एक तरीके से बोल रहा हूँ, बट यार वो बिल्ली का भी सच है, मैं बिल्ली का इतना भी झूठ नहीं बोल रहा, बिल्ली को नाम चाहिए है, बट यार एक मानता हूँ यार सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा यार तुम्हें, मैं मानता हूँ मैंने वीडियोस अभी डालना ज़रा कम कर दिया बट मैं तो भी शॉर्ट्स डाल रहा था बीच में रेगुलरली, मतलब थोड़े दिनों के बाद डाल रहा था, बट डाल रहा था मैं वीडियोस, मैंने बंद नहीं किया था, एज ए ऑलवेज प्रोमिस मैं वीडियो डालना बंद नहीं करूँगा, क्योंकि आई नो पब्लिक तुम में से बहुत लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आता है, इसलिए तो मैं वीडियो रोज़ डालने का कोशिश करता हूँ, बट यार क्या करूँ, एग्ज़ाम्स भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कुछ घर में मेरी, तो मैं छोटा हूँ बट थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी रहती है यार अपने अपने घर में, तो मेरी भी है, मेरी भी एग्ज़ाम्स से रिलेटेड दूसरी भी जिम्मेदारी है जो मुझे पूरी करनी पड़ती है, उसकी वजह से कभी कभी यार छूट जाता है मुझे वीडियो बनाना नहीं मिलता। सो गाइस आई डोंट थिंक आई नो दैट यू आर दैट मच केपेबल
टू अंडरस्टैंड दैट यार, कभी कभी किसी से हो जाता है यार, नहीं जमता वीडियो बनाने को, तो माफ़ कर देने चाहिए उस लोगों को, नहीं उस आदमी को। तो यार वैसे ही मुझे भी माफ़ कर दो, एंड आई प्रॉमिस मैं ये गलती जो मेरे से हो रही है ये ज़्यादा बार ना हो, इसके लिए मैं अपनी तरफ से यार 100% दूंगा। बट यार आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर आप कभी भी मेरा कोई कौन सा वीडियो देख रहे हो, इनफैक्ट अगर ये वीडियो भी आप देख रहे हो और अगर इसमें से आपको थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगे ना, तो यार लाइक कर देना। और अगर लाइक किया और ऐसा लगा कि यार इसके वीडियोस बहुत अच्छे बन रहे हैं, हमें और भी थोड़े से देखने चाहिए, तो ज़रूर दूसरे वीडियोस देखो मेरे, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे पास माइनक्राफ्ट से रिलेटेड और बाकी गेम से रिलेटेड भी। तो यार वो देख के अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई इस बंदे में कुछ तो बात है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब ही करना, बाकी सब आप पे डिपेंड करता है। मैं तो सिर्फ एक किरदार हूँ जो मुझे निभाना है, और अगर आपको एज अ ऑडियंस अच्छा लगा मेरा नाटक या जो भी इसे बोलते हैं शो, तो यार तालिये के साथ सब्सक्राइब कर दें। चलो हम आगे बढ़ते हैं, मेरा ऑलमोस्ट काम हो चुका है, ओके हो गया है, तो अभी ज़रा शो टाइम का वक्त आ चुका है। हाँ मैंने इसको ज़रा अपग्रेड कर दिया है, और दोस्तों इसी के साथ खेल को शुरू करते हैं, और हमारा पहला राउंड चल हो चुका है और हम लोग एक तरीके से हार गए, क्योंकि हमें वाटर में लैंड करना चाहिए था, हम लोग पानी में लैंड कर दिया। बट छोड़ो, खेल खेल होता है, खेल खेल में कुछ भी हम लोग कर सकते थे, ऐसा मजाक कर सकते। ओके ये मजाक ज़रा भारी पड़ गया उस मछली पे। अभी हम क्या ही बोले, पर चलो सेकंड ट्राई करते हैं, देखते सेकंड ट्राई में पास होते क्या फेल। और हमने उड़ान मार ली, और इसी के साथ हम लोग सेकंड डैंग में जीत चुके, यस। अभी थर्ड भी चलो ट्राई करते क्या होता है। ओके तो थर्ड डैंग में भी हम लोग जीत चुके हैं। तो इन शॉर्ट है ना दोस्तों, मुझे ना फ्लाइट पास मिल चुका है, अभी मैं किधर भी उड़ी मार सकता है, और कभी कभी ऐसा हक सकता हूँ यार, कोई भी हक यार, पहली बार जब ऐसे मज़ेदार चीज़ मिलती है, तो हर टाइम कोई तो एक बार फेल होता है या एक बार पास होता है, तो मेरे साथ दोनों होते हैं, हर टाइम होता है, मोस्टली फेल ही होता है। बट छोड़ो, दो तीन बार पास भी हो चुका हूँ, आपने देखा रहेगा। तो अगर आपको भी ऐसा फनी ट्राइडेंट चाहिए यार, तो रिप्लाइड एंचेंटमेंट ज़रूर करना अपने ट्राइडेंट पे, और मेंडिंग और अनब्रेकिंग तो ज़रूर करना ही है, मतलब ज़रूर करने का, ऐसा बोलने का मुझे ज़रूरत ही नहीं है, यू शुड नो दैट। अच्छा तो चलो दोस्तों, आज का ज्ञान बस, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ये सीरीज़ और ये वर्ल्ड को रश करेंगे और ख़त्म कर देंगे। तो चलो दोस्तों, बाय।